जहाँ तक मुझे मालूम है, सुबह 6 बजे की बात है, हम सो के उठे और मेरे पास फ़ोन पहुँचा अमन जैन का कि चाचा मंदिर में चोरी हो गई। हम तुरंत भागते आए, यहाँ पे देखा तो पूरे ताले टूटे पड़े थे और अंदर जो यहाँ पे हम लोगों का तीनों वेदियों का बर्तन रहते हैं भगवान के पूजन के अभिषेक के, चांदी के बर्तन थे वो तीनों वेदियों पर। देखा कि उस अलमारी में बर्तन भी गायब, तिजोरी जो थी हम लोगों की दानपेटी थी, दानपेटी भी टूटी पड़ी मिली, उसमें सारी चिल्लर नीचे बगरी थी, बाकी नोट वोट उसमें कुछ नहीं थे, वो ले गया। दान पेटी में लगभग कितना पैसा? लान पेटी 3-4 महीने में हम लोग जब भी खोलते हैं उसमें 1-1.5 लाख रुपया 3-4 महीने में निकलते हैं। तो ये मार्च में खुली थी, अप्रैल मई और जून ये 3 महीने में लगभग ऐसा अनुमान है कि 1-1.25 लाख रुपया उसमें निश्चित होगा। मंदिर कहाँ है और कौन था? ये बड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहलाता है, चंद्रबाहु जिनालय, ये वार्ड नंबर 2 में स्थित है पिंडई के। ये मेरे ख्याल से तीनों वेदियों में मिलाएं अपन और भगवान के ऊपर जो छत्र रहते हैं चांदी के, ये एक वेदी के छत्र गए हैं, बाकी तीनों वेदियों के बर्तन जो अलमारी में थे, तो एक वेदी के लगभग 2.5-3 किलो लगभग चांदी के बर्तन रहते हैं। तो लगभग मेरी अनुमान है कि मतलब 9-10 किलो चांदी होना चाहिए। 10 किलो मैं दिगंबर जैन समाज पिंडई का अध्यक्ष सुनील जैन बोल रहा हूँ और हमें बहुत पीड़ा है इस बात की कि भगवान के दरबार से ये काम होना, चोरी होना, प्रशासन के रहते हुए, पुलिस के रहते हुए। और हमने आज जाके SP साहब से ही मुलाकात की, बात की, अपनी बात रखी, पीड़ा रखी, उनको भी काफ़ी इस बात का फील है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि मैं जल्दी से जल्दी इस चोरी का सुराग, इस चोर तक पकड़ने में कामयाब होऊंगा, ये उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। सुबह जानकारी मिली कि जैन समाज के द्वारा कि बड़े बाबा जैन मंदिर में ताला तोड़कर चोरी हुई है। जैसी सूचना मिलने पर हम लोग समस्त स्टाफ के वहाँ पहुँचे, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए, जाके तस्दीक किया और वहाँ पर साइबर सेल की टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वाले सभी को बुलवाए। वहाँ पर कुछ फुटेज मिली है, फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश हेतु वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर बाहर भेजी गई है। अब ये क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे क्लियर हो जाता आप लोगों का अवगत करा दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।